यह है हमाम। 400 साल पहले महाराजा के पास वो सारी सुविधाएं थी जो आजकल अपने पास भी होती है। इधर देखो, गर्म पानी, ठंडा पानी, बाथटब, चेंजिंग रूम कपड़ा बदलने का, और मसाज रूम, टॉयलेट, वो हर सुविधा थी। और ये कैसे काम में लेते थे, आइए यहाँ से शुरू करेंगे। ये चिमनी है, इसके अंदर आर पार तांबे का प्लेट लगा हुआ है, जिसके नीचे चूना, ऊपर भी चूना, तो कवर्ड है, तो अपन देख नहीं पाएंगे तांबे की प्लेट को। और यह नीचे दो खड्डे दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर आग जलाई जाती थी, और आग से वो तांबे का प्लेट गर्म होता और पानी गर्म होता था इसके अंदर। ये राजा का गीजर है, 400 साल पुराना गीजर कह सकते हैं, वैसे गर्म पानी करने का बॉयलर है। इस चिमनी को बाहर इसलिए रखा क्योंकि यहाँ से धुआं निकल के काला करती रहती है, लेकिन ये काम अंदर कर रही है। अब अंदर से देखेंगे, आइए। ऐसे टॉयलेट्स होते थे, और इन टॉयलेट से जो निकलने वाला है इधर आकर गिरता था, और यहाँ से मेहतर होते थे, स्वीपर होते थे, जो उठाकर लेकर फेंक के आते थे। पहले वो नहीं था, वो खड्डा होता ना आजकल सेफ्टी टैंक, वो नहीं था पहले। ये जो है, यह है चेंजिंग रूम कपड़े बदलने का। इसका ऊपर का जो डिजाइन है, ये डायमंड शेप में बना हुआ है, जैसे हीरे का डिजाइन नहीं होता हीरा। तो यहाँ जयपुर में नगीनों की घिसाई का काम होता है, कटिंग पॉलिश होती है, तो जो डस्ट होता है वो डस्ट इसमें मिक्स होता था, जो ये चमक रहा है, देखो शाइनिंग कर रहा है, स्पार्कलिंग। अब आइए दूसरे कमरे में, ये वाला था मसाज रूम, स्पा, यहाँ मसाज लेते थे। और इसके अंदर वो जो पानी का टंकी, जो मैं अभी बता रहा था गर्म पानी होने का, इसके नीचे आग जलती थी, तो इसमें पानी उबलता था, गर्म होता था। और यहाँ पर भी ये ठंडा पानी का है, वो गर्म पानी का। इसके बाद में अच्छी तरह पानी उबलने के बाद में इसके यहाँ से निकल के इसके चारों तरफ फैलता था, स्टीम आती थी, भाप, वो भाप भी लेते थे। पूरा मॉडर्न काम था महाराज का। आप इधर आए, यहाँ पर महारानी जी की कुर्सी जल जाती थी, और जब सुबह सूर्य निकलता था वहाँ से सामने से, क्योंकि सूर्य हमेशा इधर से ही निकलता है, तो रानी जी सन बात लेती थी विटामिन डी। ये है जकूजी, 16वीं शताब्दी के अंदर बाथटब, आजकल इसको हम आम भी बोलते हैं, इसको आधा भरते थे, इसमें केसर, कस, केवड़ा, चंदन मिलाया जाता था, इसके अंदर महारानी जी नहाती थी। नहाने के बाद में वो नीचे छेद वाले ड्रेन से निकल जाता था पानी, और ये चारों कोणों से चार दासियां उतर के रानी को नहलाती थी। और ये इनका अटैच टॉयलेट है, ये वॉशरूम है, महाराजा महारानी जी यहाँ यूज कर सकते थे, इनका प्राइवेट है, अभी लोग गंदा कर जाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने बंद ही कर दिया। हाँ, यहाँ पर दिए जलाए जाते थे, अभी तो अंधेरा है, लेकिन पहले दिए जलते थे। ये आमेर का किला है ना, तो यहाँ पर इसका निर्माण राजा मानसिंह जी ने करवाया था 1590 में, और ये बनके तैयार हुआ था 1727 में। 5 पीढ़ी राजा की लगी जब बनके तैयार हुआ, राजा मानसिंह, भाव सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, बेसन सिंह एंड सवाई जय सिंह सेकेंड। यहाँ से राजधानी ले जाकर 1727 में जयपुर बसा दिया था, उससे पहले यहीं रहते थे राजा। सामने जो पहाड़ के ऊपर आप दीवार देखें, ये 12 किलोमीटर लंबी सुरक्षा की दीवार है, सुरक्षा के लिए बनाई गई है। और जो अपने सामने वो वॉच टावर है, वहाँ पर गई साल बिजली गिरी थी और वहाँ पर 13 लोग मर गए थे, उसके बाद में गवर्नमेंट ने वहाँ जाना अलाउ नहीं करती। अब यहाँ नीचे देखें, इस चौक का नाम है जलेब चौक, जलेब अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है परेड। यहाँ पर सिपाहियों की परेड होती थी, पहले गार्डन था ये। सामने जो छोटा छोटा दरवाज़ा है, और इधर जहाँ से टिकट लिया था, ये सारे दरवाजे घोड़ों के अस्तबल थे, हॉर्स स्टेबल था। इधर वाला गेट है, ये सूरज पोल गेट, सन गेट, यहाँ से राजा, राजा का परिवार और उनके मेहमान आते थे। और उधर वाला गेट है चांद पोल, मून गेट, वहाँ से जनता अंदर आती थी। ये एरिया है दीवाने आम, यहाँ तक जनता आ सकती थी, और यहाँ पर राजा जनता दरबार लगाया करते थे। यहाँ ये राजा का सिंहासन वहाँ होता था, और यहाँ पर उनके दरबारी बैठते थे। ये 16 खंभे मार्बल के हैं इनमें, और ऊपर वाला है कमल का पत्ता और हाथी का सूंड, वो हिंदू आर्किटेक्चर है, दोनों मिक्स है। तब से राजा मान सिंह जी आगरा में थे, और मुगल सेना में सेनापति थे, अकबर के नौरत्नों में से एक थे, वो यहाँ के राजा हैं और वहाँ के सेनापति थे। अब आगे आए तो ये वाला है गणेश पोल गेट सामने,
इस गेट की आकृति डोली का डिजाइन है। इसके अंदर दीवाने खास और रानी जी बाहर नहीं आती थी, इस गेट से अंदर ही रहती थी, और ऊपर जो जाली है वहाँ से रानी देखा करती थी, और उस जाली के भी उस तरफ काला पर्दा लगता था। तो ये डार्क रूम था, अंधेरा, रानी सबको देख रही है लेकिन उनको कोई नहीं देख रहा है। इस गेट की जो पेंटिंग है वो आज भी ऐसे कैसे है, नेचुरल कलर, वेजिटेबल कलर और ऑर्गेनिक कलर के। इसके ऊपर सूर्य के प्रकाश से, बरसात के पानी से कोई असर नहीं आया, एज इट इज है। इस राजा के नीचे 27 गांव थे, उन गांवों को मिलाकर इसका नाम था डूंडाड़ प्रदेश, और आमेर डूंडाड़ प्रदेश की राजधानी था। तो 27 गांवों के 27 मुखिया यहाँ बैठते थे। ये जो सामने दिख रहा है ना 27 कचहरी, हर गांव का एक एक मुखिया बैठ गया। गांव वाले आएंगे अपनी समस्या लेकर और मुखिया के पास जाकर अपने वाले के पास समस्या हल कराएंगे। अगर वो समस्या हल नहीं कर पा रहा है तो वहाँ से मामला ट्रांसफ़र होकर राजा के पास आ जाएगा, यहाँ दीवाने आम में। तो ये सुप्रीम कोर्ट है, वो सेशन कोर्ट है उस जमाने का। अब आइए थोड़ा उधर, हमाम है इनका, बाथरूम है, उस कोने में किचन, और सामने डाइनिंग हॉल था। इस गेट के अंदर जेंट्स अलाउ नहीं थे, सिर्फ महिलाएं जा सकती थी, किन्नर जा सकते थे, लेकिन अभी तो अपन चलेंगे क्योंकि अंदर रानियां थी दीवाने खास में, और पर्दा फरता थी, कोई भी जेंट्स अलाउ नहीं था राजा के अलावा। आइए इधर, इसके नीचे एक गार्डन है जो अपन देखने वाले हैं यहाँ से। इसका नाम है केसर बाग, केसर की क्यारी भी बोलते थे। यहाँ राजा ने केसर लगाया लेकिन उगी नहीं, क्योंकि राजस्थान का तापमान गर्म होता है। नाम पड़ा हुआ है केसर क्यारी जो, और इसका डिजाइन है कारपेट डिजाइन गलीचे का, जो अभी अपन देखने वाले गार्डन। देखो आओ, ये है केसर बाग। यहाँ पर जोधा अकबर फिल्म का गाना शूट हुआ था, कहने को जश्न भरा, ऐश्वर्या यहाँ कबूतर उड़ाते हुए दिखाया गया था। और ये झील है, इसका नाम है माउटा लेक। और ये जो नीचे ब्लॉक्स बने हुए ना, ये दो तो यहाँ पे है और चार इधर की साइड में। ये एलिफेंट स्टेबल थे, हाथी रहते थे, इनको अरबी भाषा में फील खाना बोलते थे। और सामने छत के ऊपर जो कुर्सियाँ लगाए रखी है ना, यहाँ पर लाइट एंड साउंड से होता है रोज शाम को, आज भी होता है। ये एक एक गांव का मुखिया इतनी जगह में बैठता था, इतने ऐसे बैठ गया, डेस्क दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। तो इस लाइन में 9 इन दिस 9, और 9 इसमें, और 9 इसमें, 27 हो गए, 9 3 27।